अभी नीचे नाश्ता लगा हुआ है यहाँ पे हमें फरहान होटल का नाश्ता है ब्रेड डंडा चने ब्रेड चने अंडा और की है पानी ना बहुत अच्छा नाश्ता हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जैसा भी था लेकिन हम करके मैं ऊपर आ गया हूँ मैंने कहा यार मैं चलता हूँ जाके तैयार होना शुरू होता हूँ और तुम लोग आ जाओ तो बाकी अब बस तैयार होते हैं और फिर आपको बताते हैं बारिश तो बारिश हो रही है आज सीन था बट राटा लेके जाना था इन्होंने लेकिन बारिश अब मैं 7 फ्लोर ऊपर आया हूँ इसलिए 7 चढ़ा हुआ है बारिश हो रही है काफ़ी बाहर तो अब देखो क्या बनता है तैयार होते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं जो भी वो देखी जाएगी आखिरी दिन है कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई 2 घंटे हो गए हैं और हम लोग यहीं पर बैठे हैं बारिश बहुत तेज़ है सारे इंतज़ार में हम बारिश रुक के फिर जाएंगे ऐसे कंजर खाना इन्होंने शुरू कर लिया भाइयों ने अहमद का प्लान अहमद साहब सारी तैयारी करके आए थे बंदा वो चीज नाल लेके आया जेडी इन्हें पता थी कि चाहिए हो सकती है सिर्फ एक छतरी नहीं लेके आया कोई बंदा बाहर चले जाता निकलो तो जाके नवीं छतरियां लो सारे हूँ मेरी माई ने कहा भी कि रख ला मैं कहा नहीं रख ला सुनो सुनो देखो जाके ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਛੁਗਲ ਲਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ आगे जाके दिखाता हूँ ये शायद नजर आ रही हो यार जिंदगी का मकसद पूरा हो गया थोड़ा सा मैं एंजॉय कर लूं स्नो को और उसके बाद मिलते हैं यार बहुत हैवी सीन हो गया यार बर्फबारी मेरे नाल ना कोई भी नहीं है लेकिन बहुत तेज मैं नहीं जा रहा थले किसी बुला मैं कह के आ गया यार शायद बर्फबारी पैसे पूरे 12,500 रुपया पूरा हो गया इतनी ठंड हो गई है ना कसम से हाथ जम गया इस हाथ में तो मैंने ग्लव्स पहना था दूसरे में पहना हुआ था लेकिन मैं नीचे ही उतार रहा हूँ गलती से
मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मैंने उतार दिया था। इसका बड़ा फ़ायदा है कि ये गीला नहीं हो रहा, और ये मंगवा है वैसे भी, क्योंकि मैं जैकेट के साथ रखी थी, मेरा तो छोटा सा बैग था, मैं दो दिन के कपड़े रखे, मैंने जैकेट मंग लवाँगे जब जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मांगी। अभी कपड़े क्योंकि मैंने चेंज ही नहीं किए थे, सिर्फ पैंट पहनी थी, और अभी इसके साथ बैगी हुडी और बैगी जैकेट भी मांगी थी कि इससे बैगी हुडी अपनी थी, तो वो पहन नहीं थी, लेकिन अगर क्या काम पे आ गया, मैं तो गिला ही हूँगा। फिर भैंस पास क्या मंगी, फिर एक दोस्त को लोना का दियो। बाकी यार बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। तो बर्फबारी यार, चले यार ठीक है, मैं थोड़ी देर नीचे जाऊँ, जाके उनको कहता हूँ कि अगर जाना है ऊपर तो आ जाओ, नहीं तो फिर देखते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं। बस ये हमारी वीडियोस बन चुकी है ना स्नो फॉलिंग की, पैसे पूरे हो गए, 12,500 रुपया दिता थी, पूरा हो गया, पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया, पूरा बिल्कुल, मैं कहना फुल, असि बर्फबारी इंजॉय की थी। यार चेक करो मौसम, चेक करो, बड़ा प्यारा मौसम है, तो बर्फबारी होने दी है। मैं क्लिप्स लगाऊंगा बर्फबारी की, वो देख लेना, बाकी पता नहीं हम कितने जाने हैं कि नहीं, छतरी वगैरह भी लेनी है ले बाहरों, उस तो बाद देखांगे। वगैरह ने कह दिया जी हम आपको कहीं पर लेके जा रहे, तो अभी आप ही है ड्राइवर ने गल करके आप ही चले हैं। बैठो यार, बैठो 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 भाई, किधर किधर लेके जाना है, किधर किधर लेके जाना है? खैरा गली, उसके अलावा क्या कहते हैं बंदर पॉइंट है, छाजा गली और शिमला पहाड़ी चार। ओके ओके चीज आपको घरों में बैठे तो नहीं ना मिल सकती। नहीं ब्रदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, भाई मुश्किल है यार, बहुत हैवी, बहुत हैवी माशाल्लाह। ये चीजें तो आपको फिर बाहर निकल के पता लगती हैं, यहाँ पे घरों में बैठे तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। चेक करो, जो आज तक देखते थे ना वो आज लाइव हो रहा है, और पहली बार हो रहा है, मजा आ रहा है। चल चल शाबाश उमर दी, वीडियो बना, चल यार है यार, ओए स्लिप ना होई, स्लिप यार, ओए 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 ओ बस करो। होगी है बस, तो मैं से जा रहा हूँ गड्डी च, आगे और भी नाल दे भी। बड़ी ठंड है यार, ओए इधर आ, ओए हम लोगों ने जाना था आज कॉलेज वालों के साथ, पर रोड में शुगर कर रहा हूँ कि हम लोग नहीं गए, और सीन ये हुआ कि हम लोग सुबह से बैठे हुए थे, फिर 1 बजे हमने प्लान किया कि यार सर वगैरह भी कहीं ना कहीं खुद ही जा रहे हैं, तो असी भी निकल जाने हैं। फिर असी तकरीबन 18 लड़के 9 जड़े बाद च आए हैं हम थोड़ी देर पहले, असी फिर निकल आए, तो शुक्र अलहमदुल्ला। मैं कहना बड़ा बेहतरीन मजा यार, ये चेक तो करो जरा कि अभी भी स्नो फॉलिंग अब कम हो गई है, जब हम आके रुके थे तब बहुत स्नो फॉलिंग थी, अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे अगले पॉइंट पे चलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू यार, हाथ ऐसे हैं कि फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, और पैर फुल गीले हैं, बूट सारे गीले हैं, अंदर सॉक्स गीली हैं, पैर जमे हुए हैं,
बहुत ठंड है यार, लेकिन मजा आ गया। मैं कहता हूँ मजा आ गया इस बार, इंजॉय कर ले। वापिस नीचे ही चले, उनके पास ही चले। साथ भाई की करना, आगे जाने चले पीछे चले। यार थले भी बर्फ ज्यादा हो रही है, पर यह बर्फ ही बर्फ। यहाँ से 1 किलोमीटर मैप भी लगा लो, अगर इकट्ठे घूमने हैं तो नीचे वो मोड़ में पॉइंट नहीं था। थले ज्यादा, चलो देख लो जिन्हें बेहतर लगता। बस वहाँ से घर, यहाँ पे होटल ही आ गया, घर कह रहा हूँ होटल आ गए, तो थक बहुत गया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे। इस ब्लॉग को ये पे एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर तो अगला पार्ट आ जाएगा ठीक है, नहीं तो समझ लेना कि भाई वापस चला गया। अल्लाह हाफिज़।